29वीं राष्ट्रीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता जो 6 मार्च से 9 मार्च 2022 के बीच दरभंगा में आयोजन के बारे में विस्तारित जानकारी देने के लिए एक संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार के सचिव जावेद अनवर एवं टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन के प्रवक्ता मोहम्मद नफीसुल हक रिंकू ने बताया कि इस टूर्नामेंट में भारतवर्ष से 30 लड़कों और 25 लड़कियां की टीमें की सहमति मिल चुकी है, जिसमें जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक की टीम भाग लेंगी। वह कल ही आयोजन समिति की बैठक हुई थी, जिसमें हम लोगों ने विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया, जिसमें खिलाड़ियों एवं पदाधिकारियों अच्छे रहने की व्यवस्था, अच्छे स्वास्थ्य एवं संतुलित भोजन की व्यवस्था, यातायात की व्यवस्था, अच्छे ग्राउंड की व्यवस्था की जा रही है। हम लोग इस प्रयास में हैं कि मैच शाम के बाद भी फील्ड लाइट में हो सके। जैसा कि आप लोगों को सोशल मीडिया और विभिन्न माध्यमों से मालूम हुआ होगा, दरभंगा में 6 से 9 मार्च के बीच में राष्ट्रीय जूनियर टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन करना है, जो बिहार को जिसकी मेजबानी मिली है भारत के संघ से। उसी के संबंध में आप लोगों को आज हम लोगों ने तकलीफ दी है। मैं सबसे पहले बता दूं कि ये गेम जो है वो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है, इसके सर्टिफिकेट की वैल्यू भारत सरकार ने मान्यता दी है। इसकी बहुत चंद गेम है जिसको भारत सरकार ने मान्यता दी है, उसमें ये भी गेम है। और ये हमारे जो फाउंडर जो थे, हमारे फाउंडर सेक्रेटरी जनाब अली समद लड़ी साहब, फाउंडर प्रेसिडेंट बी के सिन्हा साहब, ट्रेजरर उस्मान एम यू सिद्दीकी साहब, इन लोगों ने 1999 में मान्यता ली। तब से ये गेम परवान चढ़ गया और हिंदुस्तान के कोने कोने में खेला जा रहा है। और आज 2021 में भारत सरकार ने इस गेम को 5% रिजर्वेशन फॉर स्पोर्ट्स पर्सन कोटा में भी डाल दिया है। तो आज जितने भी जॉब निकल रहे हैं, अभी पोस्ट ऑफिस का निकला था या फिर एजी का, कहीं भी निकल रहा है, तो उसमें टेनिस बॉल क्रिकेट का नाम जुड़ के आ रहा है और उसमें बच्चों की बहाली हो रही है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। ये बहुत ही गौरव की बात है। और इससे बड़ी गौरव की बात यह है कि इस मिथिला की पावन धरती को, दरभंगा को दोबारा नेशनल करने मेज़बानी करने का मौका मिला है। जैसा कि आप लोगों को याद होगा, 2015 में हम लोगों ने सब जूनियर करने का काम किया था नेशनल यहाँ पे, जिसमें लगभग 50 टीमें आई थी। इस बार हम लोग जूनियर नेशनल कर रहे हैं, जूनियर मतलब अंडर 19 के अंदर अभी तक 30 बॉयज़ की टीम और 25 गर्ल्स की टीम ने कंफर्मेशन दे दिया है। जैसा कि आप मालूम है कि हर एक राज्य से एक टीम आती है, या फिर कोई एथलेटिक यूनिट हो, जैसे विदर्भ है हमारा, पूर्वांचल है हमारा, इस तरह के मुंबई है, ये अलग यूनिट है, और जो केंद्र शासित प्रदेश है वो एक अलग यूनिट है। तो तमाम यूनिट को मिला करके 30 बॉयज़ की और 25 गर्ल्स की टीमों ने कन्फर्मेशन हमको दे दिया है। अभी कल ही हम लोगों ने आयोजन समिति के लिए बैठक भी किया था हम लोगों ने, जिसमें हमारे संघ के पदाधिकारी, जिला संघ के पदाधिकारी, प्लस जो हमारे दरभंगा में खेल से जुड़े हुए लोग हैं, विभिन्न खेलों के पदाधिकारी हैं, उनकी बैठक हम लोगों ने कल की और उसमें सब कुछ तय हुआ है। उसमें हम लोगों को खिलाड़ियों को रहने की अच्छी व्यवस्था करनी है, खिलाड़ियों को खाने पीने की अच्छी व्यवस्था करनी है, खिलाड़ियों के लिए अच्छे मैदान की व्यवस्था करनी है। मैदान हम लोग मिथिला विश्वविद्यालय और संस्कृत विश्वविद्यालय के मैदान में हम लोग मैच का आयोजन करेंगे। हम लोगों ने कुलपति महोदय से निवेदन किया है और मुझे आशा है मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति और कुल सचिव और संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति और कुल सचिव पूरा सहयोग देंगे। हमारे जो मिथिला विश्वविद्यालय के खेल पदाधिकारी हैं अजय नाथ झा, वो पूरी तरह से लगे हुए हैं हमारे सहयोग के लिए। और जितने भी हमारे MP हैं, MLA हैं, MLC साहब हैं, साहिबान हैं, हमारे ex-MLA हैं, ex-MP हैं, ex-MLC हैं, जो भी लोग हैं यहाँ पर, उन सब से हम लोग सहयोग लेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि मोहम्मद अली अशरफ फातमी बिहार टेनिस बॉल क्रिकेट संघ के चेयरमैन और भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेट संघ के वो पैट्रन हैं, तो मोहम्मद अली अशरफ फातमी साहब का पूर्ण सहयोग रहेगा इसके अंदर और पूरी तरह से रहेंगे वो। हम चाहेंगे DM साहब और SP साहब जो हमारे नए आए हैं, उनसे भी हम लोग मुलाकात करके, ये लोग बहुत ही नौजवान हैं और स्पोर्ट्स के प्रति उनका को करिकुलर एक्टिविटीज़ के प्रति बहुत इनका मैंने रुचि सुना है, तो हम लोग उनसे भी मुलाकात करके
जिला प्रशासन से, दरभंगा नगर निगम से, विश्वविद्यालय प्रशासन से और तमाम लोगों, दरभंगा के लोगों से जो स्पोर्ट्स लवर हैं, सबसे सहयोग करके इस टूर्नामेंट को हम लोग सफल बनाएंगे ताकि मिथिला का नाम हो। न सिर्फ मिथिला की इज्जत का सवाल है, दरभंगा की इज्जत का सवाल है, बल्कि पूरे बिहार का सवाल है। ये किसी एक संघ की बात नहीं है, तो हम लोग इसको सफल करेंगे। आपको सवाल बताइए। सर, एक सवाल है मेरा आपसे। नेशनल स्तर पर ये खेल खेला जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें, बिहार की ही बात अगर लेने, तो बिहार में मैदान सिकुड़ता जा रहा है, ट्रेनरों का काफी अभाव है, तो ये खेल जो आप करने जा रहे हैं, क्या इससे मैसेज आया? जो ट्रेनर नहीं है बिहार में, मैदान नहीं है, तो कैसे बच्चे खेलेंगे? ये बहुत ही दुख की बात है कि जहां पूरे दुनिया के अंदर आप अगर देखें, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स को कंपल्सरी किया जा रहा है, हम लोग उस लेवल पर नहीं सोच पा रहे हैं। लेकिन अभी निकट जो हम लोग देख रहे हैं, समाचार जो आ रहे हैं बिहार सरकार के, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की बहाली हो रही है, नीतीश सरकार में स्टेडियम बने हैं छोटे छोटे, और हम ये चाहेंगे पंचायत लेवल पर सरकार ज़रूर एक स्टेडियम बनाए, ज़रूर एक पार्क बनाए, छोटा ही सही हो, ताकि खिलाड़ियों को या फिर जो लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं, खेल सिर्फ जो है खिलाड़ियों के नहीं है, खेल फ्रॉम बॉर्न टू डेथ अनिवार्य है। पैदाइश से लेकर के आखिरी तक बच्चा जब खड़ा होता है तो ये फिजिकल उसकी ताकत का ही प्रश्न होता है। अगर उसको चलाएंगे नहीं तो बिस्तर पर लेटा रहेगा। अगर वृद्ध लोगों को, उम्रदराज लोगों को अगर वॉक नहीं करेंगे अगर आप, या आम लोग जो 30 प्लस अगर वॉक नहीं करते हैं, तो आपकी सेहत दिन ब दिन खराब होती चली जाएगी। तो निश्चित रूप से पंचायत लेवल पर, वार्ड लेवल पर एक मैदान की आवश्यकता है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और मुझे अफसोस इस बात का है कि सरकार की तरफ से खेल नीति किसी तरह से लागू ढंग से नहीं हो पा रही है, जिससे खेल का विकास, मुझे अफसोस होता है कि बिहार के अंदर नहीं है। बगल के उत्तर प्रदेश में जाता हूँ, वहाँ के स्टेडियम की हालत को देखता हूँ, तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि हमारे यहाँ उस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। ये आपका सवाल बिल्कुल सत्य है, लेकिन हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से पहल हो रही है, निश्चित रूप से आगे अच्छा हो। ये गेम कब से स्टार्ट होगी और कितने राज्यों के खिलाड़ी इसमें भाग? देखिए, 29वीं नेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप यहाँ होने जा रही है दरभंगा में, जो संस्कृत विद्यालय और LNMU ग्राउंड में होना है, जो 6 मार्च से लेकर 9 मार्च तक होना है, और देश के कोने कोने, जम्मू कश्मीर से लेकर सबसे ऊपर भारत से और सबसे नीचे तमिलनाडु, सारे स्टेट की टीम, गर्ल्स बॉयज़ की टीम यहाँ आने का लगभग तय है उन लोगों का। बस हम आप लोगों के माध्यम से और सभी दरभंगा वासियों से यही आग्रह करते हैं कि इस खेल, जो टेनिस बॉल नेशनल यहाँ होने जा रहा है, हम सभी लोग सहयोग करें और सहयोग करके इस आयोजन को हम लोग सफल बनाएं, ताकि एक दरभंगा का, बिहार का नाम जो है पूरे देश में और ऊँचा हो और प्रदेश में नाम हो। और चूंकि आप जानते होंगे कि हम लोग भी लगातार खेल से जुड़े हुए हैं और खेल के साथ साथ, और हम टेनिस बॉल क्रिकेट लगातार, पहले प्लेयर भी रहे, कैप्टन भी रहे, और लगातार टेनिस बॉल के हर गतिविधि में, हम स्पोर्ट्स गतिविधि में रहते हैं, तो हम लोगों का और टेनिस, और इसमें कितने से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, प्लेयर्स जो हैं, वो अभी सरकारी नौकरी में भी हैं, इसी एफिलेटेड है ये टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार जो है आपको फेडरेशन ऑफ इंडिया से, और गवर्नमेंट ऑफ यूथ एंड अफेयर से जो है यहाँ पर सारे लोग, यहाँ हम लोग जितने भी प्लेयर्स हैं, हम लोग लगातार खेल से जुड़े हुए हैं, और हम सभी लोगों से गुजारिश करते हैं कि जो भी इसमें सहयोग करना चाहते हैं एज ए स्पॉन्सर, इस आयोजन को सफल बनाने में हम लोग एक दूसरे इस आयोजन में सफल बनाए, सब स्पॉन्सरों से हमारी गुजारिश है कि सब लोग इस आयोजन को, इस राष्ट्रीय नेशनल को हम लोग सफल बनाने का काम करें।